हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीरा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ पूरियां शेयर कर रही हूँ। पूरियां हम बनाएंगे, सभी पूरियां आपकी फुली फुली बनेगी। इसके लिए आप प्लीज ट्रिक का ध्यान रखें। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। पूरियां बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है गेहूं का आटा, आप जितना चाहे ले सकते हैं। मैंने यहाँ 2 कटोरी लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, मैंने यहाँ 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल लिया है। थोड़ा डालेंगे हम मोइन, ये मैं डाल रही हूँ करीबन छोटी 3 से 4 चम्मच, थोड़ा ही डालना है, हमें ज्यादा नहीं डालना है। 3 से 4 चम्मच जितना मैंने यहाँ मोइन डाल लिया है ऑयल का। ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आटे में। इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी दूध, जिससे हमारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी और फुली फुली बनेगी, कचौरी जैसी बनेगी। इसलिए मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 छोटी कटोरी दूध। दूध हमें थोड़ा ही डालना है, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें और एक कड़ा आटा लगाएंगे। इसके लिए कड़ा आटा लगाया जाता है पूरी के लिए, आटा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इसका एक कड़ा आटा रेडी करेंगे हम। ये देखिए बहुत कड़ा आटा लग गया हमारा, ये देखिए कितना कड़ा है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और ऑयल डाल के थोड़ा मसल के 10 मिनट के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच ऑयल लिया है, दो को अच्छे से मसल लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे सेट होने के लिए। दस मिनट हो गए हैं, इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं। सभी के बोल बना के रख लेंगे। जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हैं उतना बना लें। देखिए सभी बोल बना लिए हैं, सभी को इकट्ठा बना लें, पूरी बहुत अच्छी बनेंगी। अभी एक दूसरे से चिपके रहें और बनाने में भी बहुत ही इजी हो जाए और क्रिस्पी फुली फुली बने। थोड़ा डाल देंगे हम ऑयल में लपेट देंगे इसे, हल्का सा ऑयल डाल दिया है और इस तरह से इसे लपेट देंगे सभी को। देखिए सबको ऑयल में लपेट लिया है। अब इसके ऊपर कोई पपड़ी भी नहीं आएगी और हमारी पूरियां बेलने में भी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत ही कचौरी जैसी पूरियां बनेगी। ये देखिए 4-5 पूरी को हम इकट्ठा ही बेल के रख लेंगे, अभी चिपकेगी भी नहीं। ये देखिए इस तरह से हम पूरी को बेल के रख लेंगे, बिल्कुल नहीं चिपक रही है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। पूरियाँ फ्राई करते वक्त ऑयल को गर्म रखें ताकि हमारी पूरियाँ अच्छे से फूल जाए। देखिए पूरियाँ कितने अच्छे से फूल रही है। थोड़ा मीडियम कर लें, अगर ज़्यादा गर्म लग रहा है आपको ऑयल तो थोड़ा मीडियम कर लें ऑयल को। सभी पूरियां इसी तरह से आपकी फूल फूल के, ये देखिए कितने अच्छे से कचौरी जैसी पूरियां फूल रही है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम सभी पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए सभी पूरियां हमारी
फुलके आई है, आप देख सकते हैं। आप दो कड़ा लगाएं और उसमें थोड़ा दूध और थोड़ा मोयन तेल का जरूर डाल लें, सभी पूरियां आपकी बहुत ही अच्छी बनेंगी, बहुत ही सॉफ्ट और कचौरी जैसी पूरियां बनेगी आपकी, आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।